ओम गायत्री नमः नमः सावित्री नमः सुस्ते नमः पीलिए हाथ धो लीजिए आपके हाथ धो लीजिए। ओम स्वस्ति नायन्द्रो विद्यत्रवाह स्वस्ति नः भूहा। साथियों फिलहाल है बडाला गांव में और दो दिन पहले ही हासी पार्क में आपने देखा भी होगा कि गोली चली है और दो मर्डर करे गए, एक लड़का और एक लड़की। तो बडाला गांव का लड़का था और सुल्तानपुर की लड़की थी, कुछ समय पहले ही लव मैरिज करी थी 22 अप्रैल को। तो उसके बाद दो तीन दिन सेफ हाउस में भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद बयान भी दिया कि हम ठीक है तो अपने घर पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उनके भाई हमारे साथ में, तो पूरा मामला क्या था इन्हें तो पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार। तो पूरा मामला क्या था सर? पूरा मामला तो जी देखो, फिलहाल इन बातें हो गए 3 दिन हो गया आज, पब्लिक डोमेन में है ऑलमोस्ट सारी बातें। SV साहब की भी कॉन्फ्रेंस थी कल से, हमने गिरफ्तार करे हैं दो जो मेन एक्यूज थे वो। तो जी मारा भाई था, मेरा छोटा भाई था, चाचा का लड़का, वह बहू थी, बहुत अजीज था और इतना नेक और साफ दिल का इंसान था। मेरे गांव में चाहे बच्चा बच्चा ने पूछ लियो आप, इतना शरीफ आज के युग में मेरे ख्याल से तो बालक पाना बहुत मुश्किल की बात है। तो जी रिश्तेदारी में था सारा, मामा की साला की छोरी थी और रिश्ते की बात भी चली थी जी पहले, हमने प्रयास भी करे थे, एलिजिबल था पूरी तरह से, काम कर रहा था, अपना खुद का बिजनेस कर रहा था, दिल्ली में रहा था। तो आज समाज में इतना सा मैं मानूंगा भाई विरोध भी नहीं है इन बातों का, क्योंकि जात भी एक थी उनकी, उनके गोत भी नहीं मिले थे, रिश्तेदारी में भी थे, देखे वाले थे। 2-3 साल पहले कितने जकरा भी करोड़ा था मामी ने भाई तारा रिश्ता करा था के, तो उन्होंने यो शादी कर ली थी, इस तरह के स्थितियां बन गई थी भाई, वो ले आया था हमारे घर उसने, और लेने के बाद में हमने अपने स्तर पर पंचायत के स्तर पर प्रयास भी करे थे भाई दोनों घर हैं सूत्री डाल बस दे रह जाएंगे मारे, तो उन को नहीं कबूल हुई जी ये बात। सिसा वाले ने जो हमारी मामी है उसने जी बहुत अड़ंगा डाला है, उसने सहमति होने नहीं दी जी किसी भी तरह से, उसने नरी आग लगाई है जी उस, मैं तो मानूंगा जी हालांकि बहुत बड़े दोषी हैं वे जो कल गिरफ्तार करे हैं, जमानू बेदर्दी तक कत्ल करे हमारे भाई का हमारी बहू का, लेकिन वह भी उससे ज़्यादा दोषी मैं उसने मानूंगा जी, समझाया बुझाया करें परिवार ने, लेकिन उसने आग लगाए रखी जी, रोज़ मारत और फोन आते धमकी भरे, ये भी उसने मार देंगे, ये भी इसने मार देंगे, ये भी इसने मार देंगे। तो यो लड़के की मामी का फोन आया करता, लड़के का मामी का फोन आया करता जी, हमारी जो बहू थी हाँ। उसका फोन पे हाँ लगातार बात होया करती जी, परिवार से बात होया करती हमारी बहू की घर क्या थे, वो फोन पे बात कर रहे थे, मान मनोबल की बात होया करती, कोई ना बच्चा तो हो गया कर लेंगे बैठ के ना। तो वह भी देखो जी मामे परिवार है, माम तो बेईमान है, माम तो मानना थे जब धमकी दे हैं तो भाई इस तरह का कोई कदम उठा भी सकें, और जिस हिसाब से उनके रिकॉर्ड पाए हैं क्रिमिनल, हमने जांच पड़ताल करी, पुरानी रिश्तेदारी है जी हमारी, तो बेरा भी था वो इस तरह का काम कर सकें, तो माम तो मारे ने सचेत रखा करते भाई थोड़ा सा संभल के भाई, लेकिन वो उसने बार बार कही जान दी कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो मिलेंगे पापा तो मिलेंगे मम्मी तो मिलेंगे, और विश्वास में ले गए ना जी और बुला लिए और बुला के नरियो जुलम कर दिया जी। मतलब देखो FIR में तो मतलब भाई नेम 11 के नाम दर्ज करवा रखे हैं आपने? हाँ जी 11 के नाम दर्ज करवा रखे हैं जी, जो नाम दर्ज करवा रखे हैं ना जी उनमें तो एक नाम भी ईसा नहीं है जी, हमें किसी तरह की बहसबाजी में या फिर मतलब कोई खूनसबाजी में नाम किसी का लिखवाया हो, वह सारे के सारे शामिल हैं जी इसमें, इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, उन आदमियों ने उकसाए हमें अपराधी आर्यो कांड करवाया है जी, उन आदमियों ने मारे को भी हमारे परिवार को धमकी दी है बार बार, नू कर देंगे नू कर देंगे, आड़ा कौन छोड़ा उड़ा कौन छोड़ा, ये बात हुई है जी सारी। मतलब मेन कारण था जो लड़के के मामा के वहाँ पे था, क्योंकि वैसे तो रिश्तेदारी में थी ना, गांव ना गवांड में थी ना, वो गोत्रड़ा था ना दूसरी जाति में थी ना कि मैं कौन रड़ा था जी, बता दिया तो मैं शुरू में बताऊँ था, इसी ही बात थी कौन समाज में कबूल होने की बात है, सारी रिश्तेदारी में रिश्तेदारी वो है अपने आजकल अपने समाज में प्रोग्रेसिव समाज है जी, 5 साल पहले जो बात थी वो इब नहीं है जी, शादी हुए हैं जी रिश्तेदारी हम खूब शादी हुए हैं,
कोई तो किसी डाल का पट्टा नहीं था जिमार परिवार में। प्रशासन ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो बाकी पे क्या जांच चल रही है, बात हुई आपकी? बाकी जी हम बात करें हाँ प्रशासन से तो वे मारती फिलहाल तो नू कहने लग रहे हैं अभी गिरफ्तार करा हाँ गिरफ्तार करा, लेकिन मारे तो इसी सी सूचना भी आवे हैं भाई जो हमने नाम लिखवा रखे हैं वो घर बैठे हैं और उन्हें उठा के कौन लेने लग रही पुलिस भी नहीं, पुलिस ही नहीं, पुलिस लेके नहीं आने लग रही, उन्हें पुलिस हाथ पर दे रही क्यों बैठी है, उन्हें शामिल कौन करते हैं जाँच में, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? मतलब बाकी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है? नहीं अभी तक इन्होंने किसी पर कार्रवाई नहीं करी है। इनका एटलीस्ट पुलिस का ये खुद की जिम्मेदारी बनती है जो जिनका एटलीस्ट नाम लिखा आप एक बार उनसे पूछताछ तो करो, एटलीस्ट लेके तो आना चाहिए इन्हें, लेकिन पुलिस एक बार भी किसी भी जगह पे जिनके नाम लिखाए गए हैं कहीं भी पहुंची नहीं है अभी तक। और हम बात करते हैं तो प्रशासन बोलता है कि नहीं हम देख रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है ये चीज़। तो एक साजिश के तहत कराया गया? हाँ ये पूरा प्लान था क्योंकि कॉन्फिडेंस में लेके ही उसे बुलाया गया था, नहीं तो वो भी क्यों जाता, उसे भी इतना पता था कि भाई ये एक्सेप्ट तो कर नहीं रहे इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से बात करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके बुलाया। अगर वो भी यूँ चाहता था कि भाई हमें ना पता चले, अगर हमें पता चलता भाई हमें बता देता तो हम उसे अकेले जाने ही नहीं देते, जो भी बात करनी है हम कहते भी थे भाई अगर उन्हें बात करनी तो उन्हें कहा हम बोला मोस्ट वेलकम है, अच्छे से स्वागत करें, हमें इस चीज़ से एतराज़ थोड़ी है, रिश्तेदारी तो मिलेगी जब ही तो आगे बढ़िया संबंध बने रहेंगे, हम खुद चाहते थे कि भाई ये चीज़ हो, मोस्ट वेलकम है उनका आओ। तो सर अब ये क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन तनु चाह वहाँ जी हमें जो जो अपराधी हैं और जो शामिल हैं साजिश में उन्हें गिरफ्तार कराया था जी, सबर का बंद मारा भी टूटने लग रहा है जी, दो दिन हो गए जी हमारा परिवार आवा है उठे बैठे हमें बैठे हैं शांत, हमने गांव ने भी लकड़ना पड़ेगा, अगर प्रशासन कोई किसी तरह का एक्शन ना ले होगा तो हमने गांव ने भी लकड़ना पड़ेगा जी। प्रशासन तो यही गुजारिश है हाथ जोड़ के ने जो जो शामिल हैं इसमें उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो भाई पूरा मामला वैसे भी आपने पहले भी देखा होगा लेकिन एक बार फिर आपने बता दें हैं कि मामा के साले की लड़की थी तेजवीर के मामा के साले की लड़की, तो मतलब पहले भी परिवार ने शादी की बात चलाई है लेकिन वो परिवार माने नहीं, और मैन कार्ड जो बताया जा रहा है जो तेजवीर की मामी थी तो उसने नेगेटिविटी डाली है उस चीज़ में कि मतलब अच्छा परिवार नहीं है या किसी प्रकार से भी। तो फिलहाल अगर बात करें तो दो तीन परिवार उजड़ गए हैं, क्योंकि अगर इस मामले की बात करें तो एक तो लड़की का खुद भाई सचिन आरोपी को पकड़ा है और एक सचिन के मामा का लड़का था साथ में, तो दोनों लड़के 21-22 साल के हैं, पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिए हैं। और आप देखने भी लग रहे हो कि समाज में और भी बहुत सारे इस प्रकार के मामले शामियान लग रहे हैं ओनर किलिंग के, तो आप क्या कहोगे कि वैसे तो देखा जाए तो भी गांव गवांड भी वो भी नहीं कह दे भी दूसरी जाति में कर लिया या दूसरे धर्म में कर लिया या फिर एक वो या कर भी गोतनाथ मिल रहा है और उसमें कर लिया, तो इस प्रकार की कोई भी इस रिश्तेदारी में वह दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी परिवार नाराज था और उन्हें शादी कर ली 22 अप्रैल को, और फिलहाल नतीजा आप देखने लग रहे हो भी किस प्रकार का नतीजा है, तो आपकी उसमें कितनी सही थी शादी और कितनी गलत थी आप ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे।